हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आज कॉस्टिंग का, सीए फाइनल कॉस्टिंग का जो पेपर है वो आप लोगों का हो गया है। और अब सीए फाइनल कॉस्टिंग के पेपर के बारे में मैं आप लोगों के साथ में एक ओवरव्यू जो है वो मैं यहां पे डिस्कस करने आया हूं। ठीक है, पेपर मेरे पास आया आज। ये वीडियो थोड़ा लेट जरूर डाल रहा हूं क्योंकि आई वॉज बिजी। मैं घर में किसी पार्टी में मैं बिजी था और उस वजह से ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ। बट आई होप ये पेपर जो है ये पूरा का पूरा आपके साथ में जो मेरा डिस्कशन रहेगा इससे आपको इस पेपर के बारे में पूरा का पूरा आइडिया लग पाएगा। मेरा ओपिनियन आप लोगों को इसके बारे में पता लग पाएगा। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि आफ्टर लुकिंग एट दिस पेपर आई एम कंप्लीटली नॉट हैप्पी। मैं इंस्टीट्यूट के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट ने इस पेपर में काफी इनजस्टिस किया है। देयर हैज बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनजस्टिस इन दिस पेपर। सर, इनजस्टिस आप क्यों बोल रहे हैं? जिन बच्चों ने ओल्ड कोर्स का पेपर दिया है, मैं बात कर रहा हूं सीए फाइनल ओल्ड कोर्स के पेपर की, और ये जो सीए फाइनल ओल्ड कोर्स का पेपर है इसमें सीए इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल इनजस्टिस किया है। और जो बच्चे आज ये पेपर देकर के आए हैं उन्हें पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेपर जो है, दिस पेपर वॉज वेरी वेरी लेंदी। कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट ये भी आया कि सर क्वेश्चन पेपर टफ था। तो भैया, मैं इस बात से बिल्कुल अपोजिट बात करूंगा और मैं बोलूंगा नहीं, ये पेपर जो है ये बिल्कुल भी टफ नहीं था। ये पेपर टफ नहीं था बट ये पेपर एक्सट्रीमली लेंदी था। मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर 20 पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर है। दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 20 पेजेस, 20 पेज का पेपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्टली अगर मुझे सॉल्व करना है तो ऑब्वियस ही बात है मुझे उस क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पेज रीड करने में मुझे कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, जब हम एक क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हम क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ये भी दिमाग लगाते हुए चलते हैं कि हमें वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाना है, 2 क्या बनाना है, 3 क्या बनाना है, हमें से जो सवाल पूछा गया है उसका फॉर्मेट हमें कौन सा लेना है। हमारे कम से कम 2 मिनट का 1 मिनट का समय तो इस बात को सोचने में लगता है कि ये वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर और कौन से चैप्टर, मतलब चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे पहला सवाल जो है, ये पहला सवाल हमारा जो है ये ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड करने के बारे में है। अब ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के बारे में, तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग अपने प्राइसिंग डिसीजन में जाएंगे और वहां पे देखेंगे ऑप्टिमल प्राइस कैसे निकालते हैं। तो वहां पे ऑप्टिमल प्राइस निकालने के हमने बहुत सारे तरीके जो है वो सीखे थे। एक प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लो सारे ऑप्शंस का कि किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। एक हमने सीखा था डिफरेंशियल कॉस्टिंग अप्रोच जो है वो हम लोगों ने सीखी थी, जिसमें हम लोग एक फॉर्मूला लगाते थे MR इज इक्वल्स टू A-2BQ। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। तो क्या हमें ये वाला फॉर्मूला लगा करके ये पहला वाला सवाल सॉल्व करना है? तो बेटा वहां पे पॉइंट ये जो है, पॉइंट यही है कि जब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ हम अपने दिमाग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक पेज को पढ़ने में हर एक स्टूडेंट को 4 से 5 मिनट का टाइम तो चाहिए ही चाहिए अगर उसको केयरफुली क्वेश्चन को रीड करके सही सॉल्व करना है। 20 पेजेस का पेपर है, दिस पेपर इज ऑफ 20 पेजेस। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस पेपर को रीड कर रहा था कि ये पेपर जो है वो कैसा आया है, क्या आया है, मैं रीड कर रहा था तो मैं इस पेपर को रीड करते करते थक गया और ये पेपर जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब आप ये देखो, ये मैं स्क्रॉल किए जा रहा हूं और ये स्क्रॉल होकर के खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये देखो, स्क्रॉल करने में ये पेपर जो है वो इतना लेंदी लग रहा है। 20 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है। अगर एक क्वेश्चन को रीड करने में अपन, एक पेज को रीड करने में अगर अपन 4 से 5 मिनट माने, तो आप मान करके चलो कि आपके 80 मिनट्स का टाइम, 80 से 100 मिनट का जो टाइम है वो तो इस पेपर को केयरफुली रीड करने के लिए चाहिए ताकि मैं क्वेश्चन को सही सॉल्व करने के लिए प्लान अप कर सकूं। और उसके बाद में जब मैं इस पेपर को रीड कर लूंगा तो रीड करने के बाद में मेरे पास टाइम कितना बचेगा, 80 मिनट्स का। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आईसीआई से पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई इतने लेंदी पेपर को कोई भी बच्चा 80 मिनट्स में लिख सकता है क्या? आप मुझे जल्दी से बताओ कि आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताना इस बात में कि क्या वाकई आपको लगता है कि इस पेपर को 80 मिनट्स में लिखा जा सकता था। अगर मेरे सामने आंसर कॉपी भी रखी होती ना और मुझे सिर्फ देख देख करके लिखना होता तो भी 80 मिनट्स का टाइम कम पड़ जाता इस पेपर को लिखने के लिए।
दिस पेपर हैज बीन एक्सट्रीमली लेंदी, और इस चीज को लेकर के मैं आईसीआई के साथ में बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर टफ होना चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर टफ बनाओ, इतना टफ बनाओ कि स्टूडेंट को अपना पूरा दिमाग उस पेपर को सॉल्व करने में लगाना पड़े, स्टूडेंट को अपने सारे लॉजिक स्ट्रांग करके एग्जाम में आना पड़े, लेकिन लेकिन पेपर का साइज जो है ना वो इतना ही होना चाहिए जितना 3 घंटे में कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट लिख सकता है। इतना एक्सट्रीम लेंदी पेपर, कॉन्सेप्चुअल की जगह आप लेंदी पेपर बना रहे हो। आप मुझे एक चीज बताओ, ये कॉम्पिटिशन लॉजिक, ये जो एग्जाम है ये लॉजिक का एग्जाम है, हमारी नॉलेज का एग्जाम है, या फिर ये हमारी राइटिंग स्किल्स का पेपर है कि हम कितना फास्ट लिख सकते हैं? सो आई एम कंप्लीटली अनहैप्पी विद दिस पेपर। दिस इज सिंपल, पेपर टफ नहीं है, क्वेश्चन इजिली डुएबल थे, क्वेश्चन डुएबल थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम है इस पेपर की लेंथ। आप लोग इस पेपर में जो क्वेश्चंस थे, इस बार ओआर का जो वेटेज है ये थोड़ा कम रहा, मैंने वैसे ही ऐड करके देखा था, इस बार ओआर जो है वो सिर्फ 19 मार्क्स की ओआर यहां पर पूछी गई है, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है, मे बी इट मे बी अ डिफरेंट। मुझे ऐसा लग रहा है ओआर का जो पोर्शन है वो काफी कम है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहां पर यह भी दिखा कि जो ओआर है वो काफी सिंपल पूछी गई है। ओआर की जो क्वेश्चन है वो सिंपल है। अब जैसे यहां पर ये वाला क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इन्होंने पर्ट का पूछा है, और यहां पर ये जो सीपीएम पर्ट का क्वेश्चन है इसमें इन्होंने ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली पेसिमिस्टिक टाइम जो है वो दे दिया इन्होंने, इससे अपने को एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। लेकिन अब आप देखो इन्होंने 6 मार्क्स में नेटवर्क डायग्राम भी पूछा है, एक्सपेक्टेड टाइम भी पूछा है, हर एक एक्टिविटी का वेरियंस भी पूछा है, एक्सपेक्टेड लेंथ भी पूछा है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्रिटिकल पाथ का भी पूछा है। तो 6 मार्क्स के हिसाब से ये लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि यहां पर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, मतलब डुएबल है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन डुएबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये पेपर बहुत ज्यादा लेंदी है। सो अगर आप लोग ने आज का AMA का पेपर दिया है, CA फाइनल कॉस्टिंग ओल्ड कोर्स का पेपर अगर आपने दिया है, और अगर आप लोग 70 से 80 मार्क्स का पेपर अगर आप अपियर करके आए हो, तो हैट्स ऑफ टू यू, आप लोग ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। इससे ज्यादा इस पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम था। जिन बच्चों ने 75 से ऊपर का पेपर अपियर किया है, मेरी तरफ से उनके लिए हैट्स ऑफ है, तालियां बजा रहा हूं मैं उनके लिए जिन्होंने 75 मार्क्स से ऊपर का ये पेपर सॉल्व किया है। लेंदी पेपर था, मुश्किल पेपर जो है उसमें पढ़ने के लिए आपको इतना टाइम नहीं दिया गया था कि आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ पाते, एनालाइज कर पाते, समझ पाते और आराम से इन सवालों को कर पाते। तो इस पेपर में लेंथ की वजह से ये पेपर आपको टफ लग रहा है, दिस इज माय ओपिनियन। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग इस पेपर के एनालिसिस के बारे में मैंने जो बातें बताई उन बातों के बारे में आप लोग कॉमेंट करो कि क्या आप लोग मानते हो ये पेपर बहुत लेंदी था, और इंस्टीट्यूट को पेपर थोड़ा छोटा बनाना चाहिए, साइजेबल बनाना चाहिए, भले ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। ठीक, लाइक इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।